नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाने के बाद से ही बिहार की सत्ताधारी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को बिहार में लोकसभा के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसके पहले नागालैंड में भी हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड का एक विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचा था। जदयू के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता अपने दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने के पहले ही बेहद उत्साहित हैं। लेकिन आपको इतिहास की ओर जाना चाहिए और यह जानना चाहिए कि आज से 11 साल पहले ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका था। ये अलग बात है कि राजद को मिला ये राष्ट्रीय दल का दर्जा बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सका था, क्योंकि राजनीति में चुनाव दर चुनाव परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। 1997 में बनी आरजेडी का बिहार में ठीक ठाक वोट प्रतिशत हुआ करता था। झारखंड की स्थापना होने के बाद भी वहां राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व कायम था। 2004 में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद राजद ने झारखंड से लोकसभा की 2 सीटें भी जीत ली थी। नागालैंड में संपन्न हुए विधानसभा के तत्कालीन चुनावों में उनके 7 विधायक जीत कर आए थे। दिल्ली में एक बार ओखला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ने वहां कांग्रेस और भाजपा को पटखनी देकर जीत हासिल कर ली थी। 4 राज्यों में राष्ट्रीय जनता दल का शानदार वोट प्रतिशत देखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग ने 2008 में राजद को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया, लेकिन उनके पास ये दर्जा ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं रह सका। नागालैंड में राजनीतिक उथल पुथल तेज हो गई, उनके विधायक टूटकर दूसरे पाले में चले गए और 30 जुलाई 2010 को आरजेडी का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया। इसलिए हमारा मानना है कि जदयू कार्यकर्ताओं को उत्साहित होना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर की राजनीति में हर घंटे 2 घंटे पर सियासी समीकरण बदलते रहते हैं। पूरी की पूरी पार्टी पहले घंटे में किसी और पार्टी में शिफ्ट हो जाती है, दूसरे घंटे में उनका कोई और दल हो जाता है और तीसरे समय में वो कोई नया गठबंधन बना लेते हैं। धन्यवाद।